तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं अगर अपने आईफोन में इंग्लिश टाइप करूं तो डायरेक्ट हिंदी यहां लिख के आ जाती है, और ये मैं बिना किसी एक्सटर्नल ऐप या कोई ऐप डाउनलोड करके नहीं कर रहा हूँ। आप भी अपने आईफोन में सेम सेटिंग कर सकते हैं, अलग से कोई कीबोर्ड डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। यही पूरा आपको प्रोसेस आज मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। टाइपिंग अपने आईफोन में इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग। जैसे ही आप सेटिंग में आएंगे आपको मिलेगा यहाँ जर्नल, आप जर्नल सेलेक्ट करिएगा। जर्नल में यहाँ मिलेगा कीबोर्ड, कीबोर्ड पे जाने के बाद कीबोर्ड्स पे आप क्लिक करिएगा, देन क्लिक करिएगा ऐड न्यू कीबोर्ड, देन यहाँ पर आप टाइप करिएगा हिंदी। अब यहाँ दो हिंदी होंगी, हिंदी और हिंदी लैटिन, आप ऊपर वाली सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर भी दो ऑप्शन मिलेंगे, देवनागरी और ट्रांसलेशन, आप सेकंड वाले पर क्लिक करिएगा और डन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे, बैक दबाइएगा, अब देखेंगे आप कि कीबोर्ड पर टोटल 3 ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश इंडिया, इमोजी और थर्ड हिंदी। अब चलिए मैं चलता हूँ अपने इंटरनेट ब्राउज़र में या जहाँ पर भी आपको हिंदी लिखनी हो। तो अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ तो इंग्लिश आ रहा है। अब मुझे हिंदी लिखनी हो तो मुझे क्या करना होगा, ये जो वर्ल्ड का साइन आ रहा है लेफ्ट साइड पे, आप उस पर क्लिक करिएगा एक बार। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए अगर मैं यहाँ शुभम लिखूँगा तो हिंदी में शुभम आ जाएगा। जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूँगा, यहाँ वर्ल्ड लिखूँगा, स्पेस करूँगा, वर्ल्ड लिख गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आईफोन में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल ऐप को इंस्टॉल किए हुए। जो आपके आईफोन में खुद का कीबोर्ड ऐप होता है वहाँ पर अगर आप लैंग्वेज हिंदी भी सेलेक्ट कर लेंगे तो हिंदी कुछ इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप पूरी प्रोसेस समझ गए होंगे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे कि सब लोगों को जानकारी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।